नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं एक गांव में जहां पर एक किसान भाई अपने खेत में कुछ फसल बो रहे थे। देखते हैं इनसे परिचय करके। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू। तो श्याम बाबू जी, ये बताइए आपने इस खेत में क्या बो रखा इस समय? पीपलमेंट बोया, मेहनत की फसल। मेहनत की। तो इससे बोने से पहले जमीन की जुताई कितनी बार करी? छह बार जमीन की जुताई करी। तो जैसा गोबर खाद के वगैरह भी डाला? और गोबर खाद भी डाला। तो कितना समय हो गया इसे बुआई करे हुए? अभी तो 8 दिन हुए हैं। तो मेहनत की जड़ मतलब प्रजाति कौन सी है? गोल्डन है। कितने किलो बीघा के हिसाब से डाली ये? 25 किलो बीघा जड़ बनती है। अच्छा, तो इसमें जैसे NPK 12-32-16 वगैरह भी डालते हैं तो वो कितने प्रति की किलो बीघा के हिसाब से पड़ता? 8 किलो बीघा। अब उसके बाद आपने इसकी सिंचाई कर दी। सिंचाई करने के बाद ये कैन जो टांगे पले हो, इसमें क्या है? इसमें दवाई है। दवाई है? तो दवाई मतलब कौन सी है? इसमें घास मारने की है। अच्छा, घास का आप स्प्रे कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं ताकि इसमें नराई गुड़ाई की व्यवस्था कम लगे, लागत कम आनी चाहिए। लेकिन मेहनत की फसल का रेट तो कोई मिल नहीं पा रहा, लेकिन आपने फिर भी मेहनत करा, ऐसा क्यों? ऐसा गेहूं को बंदर नहीं छोड़ते। अच्छी है, बंदरों का प्रकोप भी भारी है, ज्यादा है। तो क्या वन विभाग की टीम नहीं आ पा रही यहाँ पर? कहते हैं तो कोई सुनता नहीं। इतनी हेल्थ इतनी। अच्छा, हमारा पशुओं का भी प्रकोप भयंकर चल रहा है, गायों का ज्यादा है। तो हमारी हमने विभिन्न किसान भाइयों से बात करी है तो यही समस्या आ रही है कि हमारा पशु इस क्षेत्र में काफी है। लेकिन ब्लॉक स्तर पे सरकार ने तो गौशाला बना रखी है, लेकिन वहाँ से कोई टीम आई नहीं अभी तक। तो उसके साथ आप कौन कौन सी खेती करते हैं? अरे मेहनत ही, गन्ना होने नहीं देते। मेहनत और गेहूं धान ही कर रहे हैं, उसे बंदर खा जाए गेहूं धान को। अच्छा, तो गन्ना बंदर नहीं होने देते बिल्कुल, गन्ना है ही नहीं हमारे जंगल में। आपको जो है फसल का लाभ नहीं मिल पा रहा, तो आप जैसे अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे तो उनकी फीस भी नहीं निकल पाती होगी, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया और डीजल भी काफी महंगा चल रहा है, 100 रुपए लीटर है। तो ऐसे में क्या भरण पोषण कर पाएगा एक परिवार? तो किसानों की कोई सुनवाई नहीं करता। आखिर जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े वादे करती हैं, समाजवादी सरकार हो चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी को मौका दिया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक किसान को सही आर्थिक स्थिति सुधारने में नाकाम रही है सभी सरकारें। अच्छा, आप क्या सोचते हैं जो किसान की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है? क्या सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए? सरकार को पहले तो ये बंदर पकड़वाने चाहिए। अच्छा, वन विभाग की टीम आए और इसे बंदरों को पकड़ गए और कहीं दूर वन विभाग में डाल दे, वन में जाकर। वन में जाकर तो किसानों को बहुत ही बड़ी आर्थिक स्थिति में सुधार का मदद देगा। तो देखिए किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्या आर्थिक स्थिति में जो सरकारें कहती है हम इनकी किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी आय दुगनी नहीं हो पाई है। क्यों नहीं? क्योंकि इनकी खड़ी फसल होती है, जब फसल पक जाती है तो आवारा पशु बंदर वगैरह खा जाती है, तो किसान को क्या मिलती है? दाल रोटी भी नहीं मिल पा रही है इस फसल में। तो ये समस्या, अगर आपको वन विभाग की टीम बंदर पकड़ के ले जाए तो मतलब निजात हो जाएगी? बिल्कुल, पूरा राहत मिलेगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? कोई योजना वगैरह बताइए। नीला कोई योजना है? जैसे नील गाय बहुत है हमारे जंगल में। नील गायों का भी, और इनकी गायों का इनका गौशाला में डालनी चाहिए सरकार को, गौशाला। और जैसे कोई ये 2000 दे रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, क्या आपको मिल रहा है? हाँ, जिनके नाम जमीन है उन्हें तो मिल ही दिया है। नहीं, हमारे नाम जमीन ना है तो हमें कैसे मिल जाएगा? नहीं तो आपके फादर के नाम में होगी। हाँ, तो मिल तो रहा है। हाँ, मिल रहा है। तो क्या 2000 से किसान की खर्चा हो सकता है आपका? 2000 से क्या हो रहा है? डेट में मैंने भी देखा, मैं भी किसान का बच्चा हूँ, क्या NPK 12-32-16 1500 रुपए का मिल रहा है? 1500 रुपए का है तो 500 रुपए बचे मात्र। तो 500 रुपए में एक पानी भी नहीं लग पाएगा किसान का। तो सरकार को ये भी बढ़ाना चाहिए, किसानों की समस्या से तभी निजात होगी। तो ठीक है, आपसे बात करके बेहद खुशी हुई, आपका दिन शुभ हो।